नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। आज मैं आप लोग संग शेयर करूंगी विनेगर अनियन की रेसिपी, यानी कि सिरके वाला प्याज। ये अधिकतर हमें होटल्स में खाने को मिलता है, तो आप इसे बहुत ही कम समय और बहुत ही कम सामग्री में घर पर ही बना सकते हैं। इस सैलड को खाने के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें लगने वाली सामग्री प्याज, यहाँ हमने छोटे प्याज का इस्तेमाल किया है, अदरक, हरी मिर्च, बीटरूट यानी कि चुकंदर, 6-7 काली मिर्च, 2 लौंग, चीनी, नमक, विनेगर, पानी। सबसे पहले हम प्याज को छील करके धो लेंगे और हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे। हमें आगे वाले पार्ट में ऐसे कट लगाना है ताकि इसमें अच्छे से सिरका चला जाए, और पीछे वाले पार्ट में हमें कट नहीं लगाना है, नहीं तो ये पूरा बिखर जाएगा। तो हमें इस तरह से इसे गोल घुमा करके सर्कल में निकाल लेना है। हमें इसे इसलिए काटना है ताकि पीछे से भी सिरका आसानी से अंदर तक चला जाए। अब एक पैन में हमने 1 कप पानी ले लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, इसे हल्का पकने देंगे। सिरके वाले प्याज में चीनी और नमक का बहुत अच्छा स्वाद आता है, खट्टा मीठा। 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, इसे हमें पकाना है। काली मिर्च लौंग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा वेट लॉस होता है और साथ ही साथ इससे स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। अब हम चुकंदर डाल देंगे। यहाँ हमने चुकंदर मीडियम साइज का लिया है, जिसे धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसका बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें, और चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर के आयरन लेवल को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में ग्लो भी देता है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारा चुकंदर का सिरप बन करके तैयार हो गया, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सिरप हमारा ठंडा हो गया है, इसमें हम 1 कप विनेगर डाल दिए हैं जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब एक जार ले लेंगे और इसमें सारे प्याज को डाल देंगे। प्याज एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमने अपने पहले के वीडियो में बताया है। हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे आँखों के लिए भी अच्छा है। अदरक भी हमारे बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। अब हम सारे चुकंदर को निकाल करके इस जार में डाल देंगे, उसके बाद हम सारा सिरप इसमें डाल देंगे। इससे हमारे प्याज में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। हमें इसे पूरा डिप कर देना है। अब हम एक एयर टाइट ढक्कन से इसे बंद कर देंगे। अब इसे 48 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। 48 घंटे बाद हमारा सिरके वाला प्याज तैयार हो गया है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसा बना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो हम इसे काट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसका सिरप इसके अंदर पूरी तरीके से जा चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें डाला है। तो है ना कितना आसान बनाना। तो अगर हमारा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और होटल्स और रेस्टोरेंट का आनंद उठाएं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।